नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इश्क मोहब्बत से भरा फरवरी का महीना प्यार करने वालों के लिए बेहद खास होता है। ये एक ऐसा वीक होता है जिसका इंतजार हर किसी को होता है। हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आता है। प्यार करने वालों के लिए ये दिन बेहद खास होता है। इस दिन प्रेमी प्रेमिका अपने प्यार का इजहार करते हैं, शादी के लिए प्रपोज करते हैं, अपने दिल का हाल बताते हैं और जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते हैं। इसे प्यार का दिन भी कहा जाता है। 7 फरवरी से शुरू होकर वैलेंटाइन वीक के खत्म होने के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं इस मौके पर हमारी सहयोगी कौशाम्बी ने वैलेंटाइन डे पर लखनऊ वासियों से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है, 14 फरवरी। 14 फरवरी यानी प्रेमी प्रेमिका अपने आज के दिन एक दूसरे को इजहार करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 1090 चौराहे पे हैं, तो आज हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि लोग कैसे वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम क्या है? सौम्यता। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए कि आज वैलेंटाइन डे है, तो आप लोग वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे? हम लोग तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, तो हम लोग तो अपने स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाएंगे और वैलेंटाइन डे मनाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप जैसे कि देखा होगा बहुत जितने भी बच्चे हैं, तो ज़्यादातर आपको क्या लगा कि वैलेंटाइन डे बच्चे जिस तरीके से मना रहे हैं, तो आप उसको क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश? देखिए, वैलेंटाइन डे या कोई भी डे मनाने में कोई समस्या नहीं है, बस और जहाँ तक बात है तो मोरालिटी के, तो सबके अपने रिलेटिव स्टैंडर्ड्स हैं, तो मुझे लगता है वो चीज़ जो किसी और को नुकसान ना दे, हार्म ना करे, वो सेलिब्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो चाहे कोई भी दिन हो। थैंक यू मैम। हेलो सर। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अभिमन्यु। आप वैलेंटाइन डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे मनाएंगे? आपका कोई वैलेंटाइन डे है या कोई वैलेंटाइन हो? मैं प्रोफेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मेरा जो पहला जो शौक है और जो पहला वो है, तो वो पढ़ाना है। तो जैसा अभी पहले मैडम ने कहा, तो कल के लिए हम लोगों ने कुछ एक्साइटिंग टीचिंग एक्टिविटीज़ रखी हुई है, जिससे बच्चों को पढ़ाई बर्डन ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे। तो हम लोग उसी माध्यम से, क्योंकि वही पढ़ाई लिखाई और बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना, वो एक टीचर का फ़र्ज़ होता है, मुझे लगता है हम लोग उसी में। आप, मैं आपके आपसे पूछ रही हूँ कि वैलेंटाइन डे के बारे में आपका क्या कहना है? वो तो चलिए आपका प्रोफेशन है, बट वैलेंटाइन डे को आप किस तरीके से मनाएंगे? वैलेंटाइन डे तो आपका कोई वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन है? नो, ऐसा सच कुछ नहीं है। हम तो अपना कल कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में क्लास लेके वैलेंटाइन डे मनाएंगे, और बाकी स्टूडेंट्स से ये कहना है कि कुछ भी करें, डेकोरम अपना, एक जो पर्सनल इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रखें, बस दैट्स इट। ओके, थैंक यू। मेरा नाम आकाश है। अच्छा, तो आप बताइए कि आप वैलेंटाइन डे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, वैलेंटाइन डे जैसे 14 फरवरी को सेलिब्रेट होता है, और प्रेम, आपका कोई वैलेंटाइन डे है? एग्जैक्टली, हर किसी का होता है प्यार का, और मैं, ये मेरा मानना है कि प्यार का कोई दिन नहीं होता है, तो मेरे साथ या जो मेरा वैलेंटाइन है उसके लिए एक्सेप्टली ये कोई दिन नहीं है कि मैं उसको उसी दिन प्यार दूँ। तो मैं, जैसे अमूमन हम लोग मना रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो मेरा वैलेंटाइन है उसके साथ, तो अमूमन मेरे लिए नॉर्मल डे है, ऐसा कुछ वैलेंटाइन स्पेशल नहीं है, ठीक है, ऐसे ही मना रहे हैं। और क्या कहूँ, बस इससे इतना ही कहना चाहूँगा। इसके लिए जरूर स्पेशल है, तो हम उसको, ऑब्वियस ही बात है, हम उसको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहेंगे, मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि इट शुड बी सेलिब्रेटेड इन अ हेल्दी स्पिरिट इन द डिपार्टमेंट एज वेल, मतलब कोई उसके लिए बार नहीं है, बट इट शुड बी सेलिब्रेटेड इन अ हेल्दी स्पिरिट, यही हमारा, हमारी कोशिश रहेगी। अच्छा, तो आप लोग, हम लोग सब लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो हम जो मना रहे हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं, मनाइए, प्यार का दिन है,
जिसको आप प्यार करते हैं, अपने माँ बाप, अपने गुरुजन, ठीक है, क्योंकि प्यार का कोई नाम या इजहार की कोई डेफिनेशन तो है नहीं, नहीं माना जा सकता है, किसी रिश्ते की एक सीमा में नहीं मान सकते हैं, तो जो भी आपको प्यारा है उसके साथ सेलिब्रेट करिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए आप बताइए कि वैलेंटाइन डे आप कैसे मनाएंगे, कोई वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन है आपका? हाँ है। तो कैसे मनाएंगे जरा बताइए? वैलेंटाइन डे मनाएंगे, घूमने जाएंगे, केक को काटेंगे, और क्या, वैलेंटाइन डे हो गया। तो आप अपना, अच्छा रोज डे आया, ये सब आया, तो आपने कैसे मनाया? नहीं नहीं, वो सब हमने मनाया। अच्छा, नहीं बनाया, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। हेलो, मेरा नाम ऋतिक है। अच्छा। और का डे बहुत ही, अगर देखा जाए कि लवर पॉइंट के हिसाब से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर देशभक्ति के हिसाब से देखा जाए तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि के डेट में जो हमारे कुछ लोग थे, 45 लोग जो शहीद भी हुए थे, और हमें लगता है कि वैलेंटाइन डे, मैं ये भी पूछने वाली थी कि जो शहीद हुए हैं उनके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में तो हम लोग जितनी बातें कहें या जितनी उनके लिए श्रद्धांजलि दें वो तो कम है, और अफसोस इसी चीज़ का है कि उनके साथ जो घटना हुई आगे चल के हमारे और भी देश के जो नौजवान हैं उन लोगों के साथ में ना हो। बाकी वैलेंटाइन डे तो है ही, प्यार का दिन है और उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन साथ में हमने अपने जो देश के वीर और जवान हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए। बाकी वैलेंटाइन डे, आई थिंक होप कि वैलेंटाइन डे जो है वो सभी लोगों के लिए स्पेशल है, एंजॉय भी करना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, क्योंकि प्यार से हमारा देश है, और देश में प्यार और अमन और शांति होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी इतनी ही बातें हैं, बाकी वो और कुछ है तो कुछ बताएंगे? अरे नहीं नहीं, कोई पर्सनल नहीं है, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आप मनाएंगे कैसे कल वैलेंटाइन? देखिए मेरा प्लान ये है कि जो मेरा मतलब है वैलेंटाइन डे, उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, एंड कुछ अच्छी जगह पर जाएंगे, मोमेंट अच्छा रहेगा, और उन्हें अच्छा खासा कुछ अच्छा गिफ्ट देके, अगर रूट गए होंगे तो उनको मनाने की कोशिश करेंगे, बस ये होगा आगे चल के हम लोग साथ। अगर वो रूट गई होंगी तो आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही होगा कि रूट गए हैं तो उन्हें मना के आगे अपना एक्सेप्ट करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैम ये बताइए कि वैलेंटाइन डे है तो मैम आप कैसे मनाना चाहेंगी, आपके हस्बैंड जो भी हैं तो उनके, वो बताइए कि आप उनके लिए क्या गिफ्ट आपने सोच रखा है या जो भी? अभी तो हमने गिफ्ट तो कोई नहीं प्लान किया है फिलहाल, अब एक साथ जब जाएंगे वहीं पे कर लेंगे एक साथ, लेकिन करते हम लोग बहुत मस्ती से हैं, मस्ती से करते हैं। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट सोचा होगा, आपने उनके लिए सोचा होगा? मेरे लिए तो उन्होंने लेकर के रखा है, पर सरप्राइज रखा है, अभी बताया नहीं, पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं पता है कि है उनके पास गिफ्ट, पर उन्होंने भी मुझे बताया नहीं। मतलब आप दोनों लोग सरप्राइज रखना चाहते हैं और आज वैलेंटाइन डे के दिन एक दूसरे को रात में गिफ्ट? जी जी। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो, आपका नेम क्या है? दीक्षा आहूजा। अच्छा वैलेंटाइंस डे है तो आप जानती हैं जैसे कि आज वैलेंटाइन डेज पे हम मतलब लोग अपना अलग अलग तरीके से मना रहे हैं, तो आप कैसे मना रही हैं अपना वैलेंटाइन? कोई वैलेंटाइन है आपका? नो, मेरा कोई वैलेंटाइन नहीं है, बट हाँ जो एक कार अटैक हुआ था, एक मतलब वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन जैसा पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसको अब ब्लैक डे के उससे जाना जाता है, तो मैं वैलेंटाइन डे ऐसा कोई है भी नहीं, अगर होता भी तो हम कभी मनाते ना, क्योंकि उसको ब्लैक डे से ही जाना जाता है। शुक्रिया ये बताने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादातर लोग वैलेंटाइन को मना रहे हैं, पर आप जैसे लोग जो इस चीज़ को इस तरीके से भी मना रहे हैं, तो आप उसके बारे में और क्या जानकारी हम लोगों को देना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आजकल की जो यंगर्स हैं उनको इन चीज़ों पे अभी ध्यान देना चाहिए, कि जो हमारे सेना है जो हम लोगों की इतना करके लड़ती है, और वो इस तरह से कहीं आने जाने में उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो गए थे, और इस चीज़ को ध्यान में भी देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम लोग ही जागरूक नहीं होंगे तो आगे वाली जनरेशन को कैसे हम लोग कॉन्फिडेंट या वो कर पाएंगे कि हाँ ये वैलेंटाइन डे इतना ज़रूरी भी नहीं है मनाना, उसको अगर हम लोग ये करके अगर हम लोग करें, पर एक प्यार का त्यौहार होता है वैलेंटाइन, तो एक दूसरे के लिए वो प्यार सिर्फ एक हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के लिए नहीं होता है, एक माँ बाप के लिए भी होता है, तो वैलेंटाइन डे का मतलब ये है कि प्यार जिससे आप करते हैं उसको इजहार करना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बॉयफ्रेंड्स को ही रोज़ दे के चॉकलेट दे के खुश रखें, जो हमारे माँ बाप है 20 साल से जो हम लोगों को रख रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग उनको एक रोज़ दे के खुश कर दें। ज़रूरी नहीं है कि उनका बर्थडे या एनिवर्सरी आए तो हम लोग सिर्फ उन्हीं में ही गिफ्ट्स दें उनको, क्योंकि माँ बाप ही ऐसे जो हमारे बुरे टाइम में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपके वैलेंटाइन आपके माँ बाप है। थैंक यू मैम बताने के लिए, थैंक यू। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुयश श्रीवास्तव है।
अच्छा, तो आज वैलेंटाइन डे है, तो आज मतलब आप कैसे मनाएंगे अपना वैलेंटाइन? देखिए, मेरा ये मानना है कि वैलेंटाइन डे का जो असली अर्थ है, जो असली मतलब है, वो है कि हम लोग ऐसे लोगों के बीच प्यार फैलाएं जिन्हें उस प्रेम की सच में ज़रूरत है। जितने भी हमारे ज़रूरतमंद वर्ग के लोग हैं, जितने भी असहाय वर्ग के लोग हैं, जितने भी अक्षम वर्ग के लोग हैं, उनके साथ हम वैलेंटाइन डे मनाएं और उनके साथ हम अपना प्रेम बांटें जिनको उस प्रेम की सच में ज़रूरत है। बाकी मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास ऐसे कोई भी ज़रूरतमंद वर्ग के लोग होते हैं, कोई भी अक्षम वर्ग के लोग होते हैं, तो उनके साथ प्यार बांटें, उनको आपके तरफ से जो भी आप योगदान कर पाएँ उनकी तरफ से, अपनी तरफ से करने का प्रयास करें और ऐसे लोगों की सहायता हमेशा करते रहें। यही वैलेंटाइन डे का असली अर्थ है मेरे अनुसार। पर आप मुझे ये बताइए कि आप वैलेंटाइन डे, आपका कोई वैलेंटाइन है क्या? जीवन में मेरे वैलेंटाइन जो मेरी फैमिली है, सबसे पहले मेरे माता पिता हैं, जिनके आदर्शों पे मैं चल रहा हूँ, जिनके मार्गदर्शन से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और बाकी जितने भी असहाय वर्ग के लोग हैं उनके लिए मैं जितना भी कर सकता हूँ, ऐसा ही लोग मेरा परिवार है, ऐसे ही लोग मेरे वैलेंटाइन है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मोनी देवी। मोहिनी, तो आप, आज वैलेंटाइन डे है, तो आपके हस्बैंड वैलेंटाइन डे पे आपको क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं बहन, क्या बताएं? आप कैसे मनाएंगे? अच्छा, वैलेंटाइन डे है तो प्यार करने वाले दो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो इस दिन को आप कैसे मनाएंगे? आपके हस्बैंड ने, आपने कुछ सोचा हो उनके लिए? हम कहा बताए थे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हेलो मैम, बोलिए, आपका नाम क्या है? रन्नो देवी। आप कैसे मनाएंगे अपना वैलेंटाइन डे? अच्छे से मनाएंगे। तो क्या सोच, क्या रखा है आपने, क्या सोचा है कि आज आप अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट देंगी या क्या, कैसे मनाएंगे, कुछ बताइए हमको भी, क्योंकि हम तो मीडिया से, हमको तो जानने में बहुत इंटरेस्ट है। गिफ्ट क्या, आप प्यार करेंगे, प्यार के मनाएंगे गिफ्ट, और क्या के देंगे। ठीक है, हेलो मैम, आपका नाम क्या है? कुसुम शर्मा। आप अपना वैलेंटाइन कैसे मनाएंगे? खुशी मन से मनाएंगे। क्या मतलब, क्या क्या तैयारियां आपकी चल रही है? उसी तैयारियां चल रही हैं। आपने, अच्छा, अपने हस्बैंड के लिए कुछ सोचा है? रोज सोचा है, पर रोज डे तो निकल गया, वैलेंटाइन डे पे तो आप पार्टीज वगैरह चल रही है ना? क्या बताएं, जो देना है वो तो दिया जाएगा, दिया जाएगा ना। तो हम भी देखिए, हम तो मीडिया से, हमें जानने में तो है ही कि क्या आप देंगी, कैसे लोग मना रहे हैं, तो आप जरा कुछ बताइए। गुलाब का फूल और केक वेक नहीं काटेंगी? केक काटेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज आपका कोई वैलेंटाइन है? नो। तो आप वैलेंटाइन डे पे लोगों से क्या बताना चाहेंगे कि आप वैलेंटाइन डे लोग किस तरीके से मना रहे हैं, या आप कुछ उनको संदेश देना चाहते हैं इससे रिगार्डिंग? जैसा कि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, कई लोग का इससे मतलब होगा और कई लोग का ऐसे भी होंगे जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं होगा, और इसी बीच G20 चल रहा है जिसमें बाहर से कई इन्वेस्टर्स आए हैं, इसको इन्वेस्ट करेंगे और जिससे आने वाले समय में हमारे यूपी के साथ इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा। चलिए, वैलेंटाइन डे सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वाले लोगों के लिए होता है, ठीक है? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वैलेंटाइन डे आप अपने सिर्फ प्यार, जिससे भी है, माँ बाप से हो सकता है, भाई बहन से हो सकता है, तो आप बताइए कि आप आज की कैसे इसको सेलिब्रेट करेंगे? आई थिंक कि मैं अपनी वैलेंटाइन फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूंगा और कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ सेलिब्रेट करूंगा और बस। हेलो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैसल खान है। सर मुझे ये बताइए कि आज वैलेंटाइन डे है, तो आज वैलेंटाइन डे आप किसके साथ मना रहे हैं और कैसे मना रहे हैं? हम तो किसी के साथ नहीं मना रहे हैं, घर वालों के साथ मना रहे हैं अपने वैलेंटाइन। हाँ, क्योंकि वो तो प्यार करने वालों का दिन है जी, तो घर वालों से ज्यादा कौन प्यार कर सकता है। जी जी बिल्कुल, तो कुछ बताइए कि कैसे आपने सेलिब्रेट किया अपना वैलेंटाइन? हम तो काम ही करके सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना वैलेंटाइन। अच्छा, तो चलिए ठीक है, पर कुछ भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, काम में भी आपने, क्या काम में भी लोग मिले होंगे जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, तो उसके बारे में? भाग भाग के अपना चुप्पे चुप्पे वैलेंटाइन मना रहे, कहां से चोरी कर करके। अच्छा, तो आपका मतलब है कि आप वो काम से बच रहे हैं, तो आपके लिए वो सरदर्द है? हमारे लिए सरदर्द नहीं है, हमारे लिए सरदर्द नहीं है बिल्कुल। तो बताइए कि वैलेंटाइन डे का क्या क्या मतलब क्या है आपके लिए? वैलेंटाइन डे प्यार करने वालों के लिए है आजकल, बस इतना ही बोलना चाहिए।
जी धन्यवाद। और ये कहना चाहेंगे जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके लिए, ये पुलवामा जो मैं शहीद हुए थे उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आपका क्या नाम है? मयंक उपाध्याय। सर जैसा कि हम जानते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइन डे आप कैसे मना रहे हैं, आप किसके साथ मना रहे हैं? वैलेंटाइन डे मैं अपनी वाइफ के साथ ही मना रहा हूँ, और अभी एक्चुअली वो घर पे ही है, उसके लिए कुछ अच्छा करना है जाके, जो भी खाना पीना जो भी है, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल प्लान नहीं है कि आज कुछ स्पेशल करना है। हमारे लिए हर दिन, हमें कोई पर्टिकुलर डे की ज़रूरत नहीं है अपने प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइन। मतलब आप प्यार को सेलिब्रेट करना है तो आप नहीं है हमारा, वो तो लाइफ टाइम का रिलेशन है, ऐसा कोई दिन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए हमारा वैलेंटाइन डे 16 अप्रैल होता है, जिस दिन हमारी शादी हुई थी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज वैलेंटाइन डे है, तो आप अपना वैलेंटाइन, पहले आपका वैलेंटाइन है कौन? मेरे हस्बैंड जी। चलिए ठीक है, तो वैलेंटाइन डे का क्या मतलब, कैसे मना रहे हैं आप? पहले तो हम लोग जाएंगे लॉन्ग वॉक पे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे डिनर करने। ओके, दैट इज़ टू गुड। तो आप बताइए कि वैसे कुछ सरप्राइजेज आपने सोच रखे होंगे अपने वैलेंटाइन के लिए? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, बट प्लान कर रहे हैं। यू आर प्लानिंग, ओके दैट इज़ ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि वैलेंटाइन डे के दिन आपने क्या क्या सोच रखा है, कि आपकी कुछ स्पेशल थिंग्स जो आपने सोच रखी हो अपने वैलेंटाइन के लिए? पहले तो उनकी पसंद की ड्रेस पहनेंगे, फिर उनके पसंद के खाने बनाएंगे, और फिर उनको बाहर लेके जाएंगे बस। अच्छा, तो मतलब आपने ये सोच रखा है बाहर जाना, मस्ती, घूमना, खाना, बस। तो इस तरीके से आप अपना वैलेंटाइन डे मनाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि वैलेंटाइन डे के दिन लोग अपने अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं कि वो अपना वैलेंटाइन डे कैसे मना रहे हैं, तो चलिए विदा लेते हैं आपसे ऐसे ही। मैं हूँ आपके साथ कौशाम्बी, कैमरामैन सुधीर के साथ, प्राइम टीवी लखनऊ। की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।